नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र महावर। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से। आप सबका मोस्ट वेलकम। लास्ट तक बने रहना क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं काफ़ी इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी खबर आपके लिए। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए। क्या खबर है वो सारा डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूं। लास्ट तक बने रहना है मेरे साथ। एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को भी इसका पता चल जाए। तो देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर क्या है जो कि कुछ ही देर पहले अपडेट हुई है। देखते हैं। देखिए, खबर आई है कि देखिए, देश में कोविड 19 महामारी के प्रभाव के कारण से विभाग के आदेश दिनांक 1/11/2020 यानी 1 नवंबर 2020 के अनुसार राज्य के सभी विद्यालयों में 16/11/2020 यानी 16 नवंबर तक क्या 16 नवंबर तक विद्यार्थियों हेतु नियमित कक्षा कक्षीय गतिविधियों को बंद रखने के लिए निर्देश प्रदान किए गए हैं। लेकिन विभाग में इस दौरान शिक्षक नियमित रूप से विद्यालयों में उपस्थित रहते हुए ऑनलाइन स्माइल प्रोजेक्ट आदि के माध्यम से शिक्षण करवा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। उपयुक्त क्रम में शासन के निर्देश क्रमानुसार क्रम है आपके पास दिया हुआ है, देखिए। ठीक है, उसके अनुसार जयपुर दिनांक 3/11 क्या 3/11 की पालना में राज्य के समस्त विद्यालयों में 7 नवंबर से 16 नवंबर तक मध्यावधि अवकाश घोषित किया जाता है। ठीक है, याद रखना है क्या है, मध्यावधि अवकाश घोषित कर दिया गया है 7 नवंबर से 16 नवंबर तक। ठीक है, बहुत ही बड़ी खबर है आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। क्या और खबर है, समस्त संबंधियों द्वारा उपयुक्त इनकी पालना को सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, इनको पालना किया जाए। आगे चलते हैं अपन। क्या है और भी बड़ी खबर है, लास्ट तक बने रहना है। आगे देखते हैं, ये सारा आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड हुआ है। ठीक है, आदेश जो मिला है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, कोई फेक नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, एक आदेश और आया था, ये आदेश 1 तारीख को आया था, 1 नवंबर को आया था। क्या आदेश था कि इस आदेश के अनुसार कोविड 19 के फैलाव की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक की अवधि के लिए गाइडलाइन जारी की है। क्या गाइडलाइन की गई, लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन जो कि कर्फ्यू क्षेत्र है उनके बारे में है। देखते हैं क्या है। देखिए, देखिए लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर 2020 तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। जैसा कि आपने सुना था कि 1 तारीख से 2 तारीख से या 1 नवंबर 2 नवंबर से स्कूल और कॉलेज या एजुकेशनल जो कोचिंग सेंटर है वो खुलने की संभावना जारी हुई थी, लेकिन अभी भी वो लॉकडाउन या फिर जो लॉकडाउन है वो बना रहेगा। कब तक बना रहेगा वो आपको याद रखना है। ठीक है, 30 नवंबर तक अभी भी लॉकडाउन जारी है, तो अभी भी स्कूल खुलने की संभावना नहीं है। आगे देखते हैं अपन, 30 नवंबर के बाद नई गाइडलाइन क्या आती है, उसके दिशा निर्देश आपको आते ही आपको बता दिया जाएगा। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस लिंक को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को इन आदेशों का पता चल जाए। ठीक है, जो मध्यकालीन अवकाश हैं, मध्यावधि अवकाश हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कितने तारीख से कितने तारीख तक अवकाश हैं, तो वो हैं 7 से लेकर 16 तारीख तक अवकाश है। तो उन इन सब सारे आदेशों का पता चल जाए तो लाइक और शेयर कर दीजिए एक बार, और नए हो चैनल पर तो लेटेस्ट अपडेट के लिए बिल्कुल एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट का इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप हमारे साथ जुड़ सके और आपको पता चल सके लेटेस्ट अपडेट का। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज़ आती है बिल्कुल मैं हाजिर हो जाऊँगा एक बार फिर से। तो एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।